जिले के थाना हसौल क्षेत्र का मामला है, जहां ग्रामीण के सुने मकान से अज्ञात चोरों ने सुने मकान का फायदा उठाते हुए घर में रखे कीमती जेवरात पार कर दिए। हम आपको बता दें कि थाना हसौल के ग्राम मलदा का है, जहां पुलिस विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी पतिराम कश्यप उम्र 69 परिवार के साथ घरेलू कार्य से कोरबा गए थे। अज्ञात चोरों ने 8 अप्रैल से दरमियामी रात में अलमारी में रखे सोने की कीमती जेवरात पार कर लिए। जब वह सुबह एक रिश्तेदार घर में गमला में लगे पौधे को पानी देने आया तो घर का दरवाजे टूटे हुए मिले। इसकी जानकारी तत्काल रिश्तेदार द्वारा गांव के सरपंच और घर मालिक पतिराम कश्यप को दी गई। जब चोरी की सूचना मिलते ही पतिराम कश्यप घर पहुंचा तो घर के अलमारी में रखे सोने के कीमती जेवरात, 2 नग सोने के कंगन और 4 सोने की चूड़ी, 1 सोने का 4 सोने की अंगूठी, 4,000 रुपए नकदी सहित कुल 1.5 लाख के कीमती जेवरात पार मिले। इसकी सूचना तत्काल पतिराम कश्यप द्वारा हसौद थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। वहीं पुलिस अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बताएंगे सर क्या घटना हुई? दिनांक 9/4/22 को पतिराम कश्यप पिता मालिक राम कश्यप उम्र 69 वर्ष निवासी मलदा का थाना का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 8/4/2022 की दरमियानी रात्रि में इनके घर के अंदर अज्ञात चोर द्वारा घर के अंदर घुस कर सोना चांदी समेत लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गया है की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 69/22 धारा 457/380 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। क्या लगता है सर अभी तक? अभी तक आसपास के चोरों द्वारा चोरी करना प्रतीत हो रहा है। अब जांच बाद चोरों को पत्ता साजी कर कार्रवाई किया जाएगा।